हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं इथेरियम को लेकर। बिकॉज यहां पर जैसे ही टेरा लूना की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल, लगभग 100% जब प्राइस नीचे आ गई तो पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो कॉइंस पड़े हुए हैं वो यहां पर आगे चलकर मुझे रोडपति बनाएंगे या करोड़पति बनाएंगे। यहां पर जो मैंने पोर्टफोलियो के अंदर कॉइंस रख रहे हैं, कहीं उनकी वैल्यू आगे चलकर जीरो तो नहीं हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूं और इन फ्यूचर आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न लेने के लिए कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपको यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर अमीर बनने से कोई ना रोक सके। और फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आज इथेरियम के माध्यम से बताने वाला हूं। यकीन मानिए, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करिए और जितना हो सके लाइक करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी तरह से नए नए कॉन्सेप्ट्स यहां पर क्रिप्टो मार्केट के बारे में देता रहूंगा। बस फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपको सिर्फ एक सेकंड लगेगा लेकिन वही एक सेकंड मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं इथेरियम की। तो देखिए, यहां पर इथेरियम क्रिप्टो मार्केट के अंदर टॉप सेकंड रैंक का कॉइन है और यहां पर फर्स्ट रैंक पर आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन का एक यूज केस है, वही इथेरियम का भी एक बहुत ही जबरदस्त यूज केस है। फ्रेंड्स, जब भी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है तब इथेरियम की प्राइस के अंदर भी बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब जब बिटकॉइन की प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है तब तब इथेरियम ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। फ्रेंड्स, इथेरियम के अंदर आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको उसका रिप्लाई दे देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जब यहां पर बिटकॉइन के अंदर अपने को 30% का डंप, अपने को 40% का डंप, अपने को यहां पर 60% का डंप, अपने को यहां पर 80% का डंप देखने को मिलता है। देखिए, बिटकॉइन के अंदर 80% का डंप, 60% का डंप, 40% का डंप, 30% का डंप कई बार देखने को मिला है, कई बार बियर मार्केट देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर यह डंप आने के बाद में यहां पर रिकवरी भी बिटकॉइन के अंदर उसी तरीके से देखने को मिली है। जितना बड़ा डंप बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला है उतना ही बड़ा पंप बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला है। अब फ्रेंड्स, यहां पर जब बिटकॉइन के अंदर इतना बड़ा डंप देखने को मिलेगा तब इथेरियम के अंदर भी बहुत बड़ा डंप देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, वही मैंने आपको बताया कि जब बिटकॉइन की प्राइस के अंदर बहुत बड़ा पंप आएगा तब यहां पर सबसे ज्यादा रिकवरी, सबसे अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा आपको सबसे पहले इथेरियम के अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स इथेरियम की रिकवरी रेट अदर अल्टकॉइन की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा है। यहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया आपका रुपया बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और इन फ्यूचर के लिए आप यहां पर सेफ एंड सिक्योर रिटर्न निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके रिकवरी रेट किस तरह से है। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर 80% डंप आया है और उसके बाद में बिटकॉइन ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले इथेरियम की प्राइस के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, यहां पर एक साइकिल होती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर और उस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पंप आएगा, यानी बुल रन के अंदर बिटकॉइन की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई तक या उससे भी ऊपर देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में यहां पर जो दूसरा नंबर आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा फ्रेंड्स यहां पर इथेरियम का। उस इथेरियम के बाद में यहां पर कुछ अल्ट कॉइन होते हैं उनके अंदर भी पंप आएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक साइकिल है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा पंप आएगा बुल रन में, फिर उसके बाद में जो बहुत बड़ा पंप आ सकता है वो फ्रेंड्स यहां पर होगा इथेरियम। फ्रेंड्स, उसके बाद में कुछ अल्ट कॉइन होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर यह साइकिल होती है जो मैंने आपको बेसिकली समझाया है। वैसे इसका एक प्रोसेस बहुत जबरदस्त होता है जिसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर इन चीजों को समझिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको इथेरियम के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिटकॉइन के अंदर कितना
इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन फ्यूचर के लिए यहां पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिले इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स यहां पर मैंने मेरा पोर्टफोलियो किस तरह से डिजाइन कर रखा है वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं एक अच्छे खासे रिटर्न के लिए। फ्रेंड्स आप सपोज करिए आपके पास में 100 USDT का पोर्टफोलियो है, तो फ्रेंड्स इस 100 USDT को आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, जिसके अंदर फ्रेंड्स एक पार्ट के अंदर होना चाहिए 60% अमाउंट और दूसरे पार्ट के अंदर होना चाहिए फ्रेंड्स 40% अमाउंट। फ्रेंड्स यहां पर जो 60% अमाउंट है इसको आपको दो जगह लगाना है, जिसके अंदर पहला है बिटकॉइन, दूसरा है फ्रेंड्स इथेरियम। फ्रेंड्स यहां पर ये जो 60% है ये 60% यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है इन फ्यूचर के लिए वो है फ्रेंड्स बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर। और फ्रेंड्स मैंने मेरा खुद का पोर्टफोलियो इस तरह से डिजाइन कर रखा है। अब फ्रेंड्स इस 40% का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यहां पर आपने बहुत सारे कॉइन्स अपने यहां पर पोर्टफोलियो के अंदर रख रखे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स यही 40% आपको बहुत ज्यादा करोड़पति भी बना सकता है और बहुत ज्यादा रोडपति भी बना सकता है। फ्रेंड्स यहां पर इस 40% को आपको फिर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, और फ्रेंड्स ये दो पार्ट्स की कहानी और ये 40% की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा। आप इस YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके अंदर मैं आपको कुछ कॉइंस बताऊंगा जो आप इन फ्यूचर के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा हूं, आपको वही कॉइंस रख रहे हैं जिनके अंदर एक दम हो और यहां पर उनके प्रोजेक्ट में दम हो, ताकि आगे चलकर उनके प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा अपने को मूव देखने को मिले, उसी के अकॉर्डिंग अपने को यहां पर 40% इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहां पर दूसरा सवाल यह आता है कि इथेरियम को यदि अगर हम खरीदे तो कब खरीदे, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कब खरीदे। फ्रेंड्स देखिए इथेरियम के अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है, लॉन्ग टर्म में भी एक प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। आप देखिए अभी बिटकॉइन की प्राइस जब $24,500 के आसपास आई तब इथेरियम की प्राइस लगभग, और वहां से अभी प्राइस कहां पर चल रही है फ्रेंड्स, यहां पर लगभग $2100 के आसपास चल रही है। तो फ्रेंड्स आप खुद देखिए कि इथेरियम के अंदर रिकवरी कितनी तेज हो रही है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इथेरियम का चार्ट शेयर करना चाहूंगा और वहां से मैं आपको इथेरियम के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कब लेना है वो बताना चाहूंगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको इथेरियम के चार्ट के माध्यम से जो कह रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है। फ्रेंड्स यहां पर इथेरियम की प्राइस इस 3600 USDT के लेवल से लगातार नीचे आ रही है, और यहां पर देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पर 7वीं अपने को रेड कैंडल देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स सबसे पहली बात, ये जो 7वीं रेड कैंडल अपने को देखने को मिल रही है ये फ्रेंड्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इथेरियम के लिए। अब यहां पर मैं आपको दो बात बता रहा हूं, दोनों को सुनना है। फ्रेंड्स पहली बात, यदि मान लीजिए आपको इथेरियम की प्राइस किसी एक केस के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए 1800 USDT के आसपास, यहां पर ये लेवल आप देख रहे हैं ये लेवल है 1800 USDT का, यहां पर देखने को मिले तो यहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए इथेरियम के अंदर एंट्री बना सकते हैं, और फ्रेंड्स यहां से आप टारगेट ले सकते हैं इसका 1920 या 1950 के आसपास का। ये हुई शॉर्ट टर्म की बात। अब फ्रेंड्स इसी लेवल पर 1800 USDT के लेवल के आसपास ही यहां पर आप इथेरियम के अंदर अब जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इन फ्यूचर के लिए उसका 10% लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर जो मैं कह रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर लेकर चलना है। अब फ्रेंड्स यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो कैंडल देखने को मिल रही है ये कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यहां पर इथेरियम के लिए। यहां पर उसी के साथ में बिटकॉइन की प्राइस का मूव इस वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स बिटकॉइन के अंदर भी 1 वीक के टाइम फ्रेम पर लगभग 7 से 8 कैंडल्स देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स यहां पर प्रेजेंट टाइम पर जो बिटकॉइन के अंदर कैंडल देखने को मिल रही है, मैं आपको बिटकॉइन का अलग से अपडेट दूंगा, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर मान लीजिए किसी एक केस में इथेरियम की प्राइस यहां से नीचे आ जाती है, और ये कब होगा, जब बिटकॉइन की प्राइस के अंदर डंप आएगा फ्रेंड्स, तो ऐसे में हो सकता है आपको इथेरियम की प्राइस देखने को मिले इस लेवल तक, और फ्रेंड्स यह लेवल आता है 1400 USDT के आसपास। अब यहां पर बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि पागल हो गया भाई, इथेरियम की प्राइस यहां तक आ ही नहीं सकती। मेरे भाई आ सकती है यदि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर डंप आएगा ऐसी स्थिति में। अब फ्रेंड्स यहां पर इस 1400 USDT के लेवल के आसपास आप यहां पर इथेरियम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका 10% मैंने आपको बताया, उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर 30% लगा सकते हैं।
सिर्फ 30%। फ्रेंड्स आगे क्या करना है आगे बताऊंगा, लेकिन सिर्फ 30% यहां पर आप लॉन्ग टर्म का सोचकर इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह बात समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स यहां पर एक और मजे की बात बता देना चाहता हूं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, और वो ये है फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अपने को देखने को मिल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स यहां पर ट्रेडिंग का एक सूल है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर यदि 6, 7, 8 कैंडल देखने को मिलती है लगातार रेड वाली, तो फ्रेंड्स उन्हीं के बीच में एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स वो बड़ी ग्रीन कैंडल ये हो इसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर बिटकॉइन के ऊपर भी अपने को देखना है। बिटकॉइन के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक तो एक रिकवरी आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो चीजें बताई है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ में इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। और अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।